फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत दिलचस्प लेसन जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं और अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ लर्नर गलती करते ही हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूँ कि एक सेंटेंस है, मैंने सोचा सोमवार है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या आप कहेंगे आई थॉट दिस इज मंडे? अगर आप कहेंगे आई थॉट दिस इज मंडे, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये सेंटेंस गलत है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ गलत क्या है? फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात है जहाँ अक्सर लर्नर कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसका पहला हिस्सा पास्ट में हो लेकिन दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में हो, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है आया हुआ है। तो अगर पहला हिस्सा पास्ट में है, तो जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, दोनों पार्ट को आप पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, यानी यह हिस्सा पास्ट में है तो आप लिखेंगे आई थॉट, लेकिन दूसरा वाला हिस्सा प्रेजेंट में है फिर भी आप ऐसा नहीं करेंगे दिस इज मंडे, यानी आप इस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा दिस वॉज मंडे। तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा सेंटेंस मिले जिसका पहला हिस्सा पास्ट में है और अगर दूसरा हिस्सा प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में होने के बावजूद भी इस तरह के सेंटेंसेस को आप पास्ट में ही लिखें, यानी दूसरे वाले पार्ट को इजारम से ट्रांसलेट ना करें, यानी प्रेजेंट फॉर्म का इस्तेमाल ना करें बल्कि पास्ट फॉर्म का यूज करें। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि ये बात आपको आसानी से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो मुझे लगा तुम भारत में हो, तो आप कहेंगे आई थॉट यू वर इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि हो के लिए मैंने वर का इस्तेमाल किया, यानी हमारा दूसरा पार्ट प्रेजेंट में तो है लेकिन फिर भी मैंने पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया क्योंकि मेरा पहला हिस्सा पास्ट में है। मुझे लगा तुम मर गए हो, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई थॉट यू आर डेड। मुझे लगा वह आएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई थॉट ही वुड कम। तो फ्रेंड्स, आपने यहां देखा कि यहाँ गार के लिए मैंने विल का पास्ट फॉर्म वुड का इस्तेमाल किया। कि आप ये बात जानते हैं कि जब पहला हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा हिस्सा भी पास्ट में ही होना चाहिए। मुझे लगा तुम वहां हो, तो आप इस सेंटेंस के लिए कहेंगे आई थॉट यू वर देयर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सेंटेंसेस जो आपको अक्सर अपने डेली लाइफ में बोलना पड़ता है, बड़े आसानी से बोल पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह कंसेप्ट समझ में आया तो प्लीज दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं देख सकूं कि आपने क्या सीखा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।